आदतें बदली जा सकती है, लेकिन मान्यताएं, दखियानुसी विचार और जिद नहीं। मुझे पूरा यकीन है उनकी अगली मांग दहेज की रकम। क्वाइट पॉसिबल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। इसी तरह के विचार, ये रीति रिवाज, परंपरा, ये सब देश को जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एक्सक्यूज मी, परंपरा और संस्कार के बिना हमारा देश यूं होता जैसे आत्मा बिना शरीर। पर मोहन, हम देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं कावड़िया में, लेकिन ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किस आत्मा की बात कर रही होगी? वी आर प्लेग्ड विद प्रॉब्लम्स। आई मीन, तुमसे बेहतर कौन जानता है? इलिटरेसी इज रैम्पेंट, अशिक्षा, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, एंड वी आर येट अंडर डेवलप। हाँ, अशिक्षा और गरीबी का तो चोली दामन का साथ है। कावेरी अम्मा, आपके गांव में अभी तक पूरी तरह बिजली नहीं आई। ये जात पात, बढ़ती आबादी, अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार, हमारी हालत बहुत खराब है। इस पैथेटिक नमक दे। तुम मुद्दे से हट रहे हो, पर तुमने छेड़ा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि सरकार इन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रही है। देखते हैं क्या हल निकालती है सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट इनफ टू कोप विद इवन 1/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। एक चौथाई पॉपुलेशन की समस्याएं पूरी नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। सरकार कोशिश कर रही है, योजनाएं भी बना रही है। हाँ, कोशिश कर रही, सिर्फ योजनाएं बनाना या उनके लिए फंड इकट्ठा करना, यही सरकारी जिम्मेदारी है। ग्रास रूट पे ये योजनाएं ठीक तरह से इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, आम आदमी तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं, क्या ये सब देखना सरकार का काम नहीं? हाँ है, लेकिन सरकार को तुम समझते क्या हो? सरकार एक सिस्टम है जिसका जनता भी एक हिस्सा है। हम, तुम, ये गांव, यहाँ के सारे लोग इस सिस्टम का हिस्सा है। अब अगर इस सिस्टम में कोई कमी हो तो उसे ठीक करना हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की। जो अपनी मदद करना नहीं जानता उसकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकता। हाँ कावेरी अम्मा, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है। लोग बदलना ही नहीं चाहते। कितना आसान है गलतियां निकालना, तुम इन सबके लिए कुछ कर रहे हो नहीं ना? एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट तुम्हारी तरह सरकार का बचाव तो नहीं कर रहा हूँ। I'm building satellites. मैं अपनी तरफ से सैटेलाइट बना रहा हूँ जो तकनीकी विकास के लिए मददगार साबित होंगे फॉर एवरीवन, मैनकाइंड। थोड़ी और डालोगी? नहीं, लेकिन ये सब तुम वहाँ कर रहे हो, कम से कम मैं यहाँ ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस अ बेटर प्लेस। गीता, तुम भी टिपिकल इंडियन हो, तुम हिंदुस्तानी कभी अपनी गलतियां नहीं मानते। तुम हिंदुस्तानी? सॉरी, आई मीन हम हिंदुस्तानी। खैर, हम जानते हैं कि कुछ नहीं बदल रहा है, मगर फिर भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।